उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैश्व मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली आंसर से। उत्तराखंड की प्लान पर आधारित बनी गढ़वाली फिल्म मेरुगांव ऋषिकेश, कोटद्वार, देहरादून, गाजियाबाद, नोएडा के बाद में अपार सफलता के बाद अब दिल्ली में लगने जा रही है। और यह फिल्म प्लान पर आधारित है और काफ़ी अच्छी फिल्म यह है। उत्तराखंड के लोग उसको सराह रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज दिल्ली के DPMI सभागार में फिल्म की अभिनय करने वाले सभी कलाकारों का DPMI के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बछौती जी ने उनको स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र ओढ़कर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, समाजसेवी साक्षी बने। सभी सम्मानित कलाकारों को से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संवाददाता जगमोहन डांगी ने बात की। फिल्म में गांव खाली होने की प्रवासियों को एक संदेश दिया जा रहा है और उसे लोग सराह भी रहे हैं। देखिए दिल्ली से हमारी रिपोर्ट। क्षेत्रीय प्रचार से पहुंचे संघ का बहुत दिनों से निवेदन की आप दोनों आदरणीय नेपाल जी, बहुत सारा साथी बैठे थे, लक्ष्मण जी, हमारा पूनम बिरसी है जो नोवा टाइम्स में पहाड़ के मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाती, एक ऋतु राणा है जो दैनिक जागरण है, बहुत सारे पत्रकार साथी हैं। हमने दिल्ली एनसीआर की सभी सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष आमंत्रित कर रही हूँ। सरकार के बरसने या वोट टैक्स में आते लगातार बाहर ये झंडा उड़े थी बजट का संबंधन लोग अगली बढ़ना थी क्या बात है आगे बढ़ने की थी। बहुत बहुत जोड़ने का प्रयास किया है, अपनी टूटती बिखरती और भटकती भाषा को एक समझे माला में पिरोने का काम किया है। हमेशा उत्तराखंडी, मेरे जैसे बहुत से उत्तराखंडी हैं जिनको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और उन्होंने यहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है और जहाँ पर हम इकट्ठे होकर अपने मन की बात कर सकते हैं, अपनी भाषा की बात कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की बात कर सकते हैं। मेरुगांव को यही कहते हैं, मेरुगांव अपनों को अपनों से जोड़ने की बात करती है, पलायन की बात करती है। और पलायन जो आपने बताया था कि पलायन के लिए विभाग बना हुआ है, हमने कहा उन्हें ये फिल्म दिखाइए, उनको पता चल जाएगा कि पलायन क्यों हुआ है। हमने उन मुद्दों को इस फिल्म के माध्यम से उठाने की कोशिश की है कि परिसीमन सबसे बड़ा कारण है, जो जब हमारे प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि वहां पर नहीं रहेंगे तो कैसे हमारा पलायन होगा। हमने लड़ाई तो लड़ी थी पहाड़ के लिए, लेकिन विकास हुआ प्रदेश का, हमारे पहाड़ के लिए। तो हमारी यही एक पहल करने की कोशिश की है कि हमारे जन प्रतिनिधि, हमारे जो ऑफिसर लोग हैं, ये लोग अगर सोचे समझे कि अगर ये परिसीमन में जो पहाड़ की तरफ जो नजरिया है अगर वो बदले तो पलायन जरूर खत्म तो नहीं होगा, पलायन जरूर होगा। महान इंसान है जो अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी कला क्षेत्र के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और सहयोग करते हैं, धन से हो, मन से हो, तन से और जगह से। तो उनके बारे में तो हम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महान इंसान है, भगवान उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रहे और हमेशा सेवा करते हैं। सिल्वर सिटी में गुड़गांव के रोलिंग कॉमिक्स मॉल में, द्वारका के वेगस मॉल में और रोहिणी सेक्टर 3 में M2K मॉल में एक साथ 4 जगह लग रही है, ऐसा कभी मंजर ये सफलता पर ने जो जिस तरह का सम्मानित किया है हमारे गढ़वाली सिनेमा या मेरे गाँव की फिल्म, शब्द नहीं है, उपकार नहीं है कि मैं उनसे इस मामले
मैं बहुत चाहता हूँ कि इस बारे में हाँ ये फिल्म को गढ़वाली समाज ने कमानी समाज ने बहुत प्यार दिया है और 35 सालों के रिकॉर्ड इसके टूटे हैं जानी मैं लोगों से ये कह सकता हूँ कि गढ़वाली सिनेमा पर गढ़वाली सिनेमा को देखने नहीं आएंगे तो कौन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे सम्मान मिलने से मतलब कलाकारों का और उत्साह बढ़ता है आगे काम करने के लिए और हमारी जो फिल्म के निर्देशक और जोशी जी उनका प्रति से धन्यवाद करते हैं इस फिल्म का हिस्सा उन्होंने मुझे बताया। मैं जगमोहन रंगी पहाड़ों के आवाज़ के राज पहुंचा हूं दिल्ली NCR DP MI में। जैसे कि अभी आपने देखा कि मेरा गांव फिल्म बहुत धमाल मचा चुके हैं उत्तराखंड में और अभी दिल्ली NCR और नोएडा आदि सिटी में लगी हुई है और आज मेरे गांव सम्मान समारोह जितने भी कलाकार जिन्होंने अहम भूमिका निभाई छोटे से बड़े रोल लेकर उन सब का आज DP MI सभागार में सम्मान समारोह था और सब लोगों का यहाँ पे DP MI चेयरमैन डॉक्टर विनोद बच्ची जी द्वारा उनका सम्मान किया गया है और मेरे साथ में है उस फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाने वाले कलाकार जो मुझे आज ही पता चला कि हमारे क्षेत्र विकास कंकर जी खाल और जनपद के रहने वाले हैं और मैं उनके जो है बड़ा गदगद हुआ देख के बात करना चाहूँगा 1-to-1 में क्योंकि मैंने सबका जो है बाइट लिया लेकिन आमने काफ़ी दिखे हो आप चैनल काफ़ी मेरे भी याद पता लगी कि आप भी गया चाहे मेरे पता नहीं चाहिए आप भी गया चाहे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये जो बड़ी फिल्म बनी हुई मेरे को या तो जो जय हिसाब से रिस्पॉन्स मिली उसको पता लग होना चाहिए बहुत बेहतरीन फिल्म है और ये हर पहाड़ी में हर उत्तराखंड से जरूर दिखनी चाहिए और यह दिल्ली NCR में 4 जगह 10 तारीख में लगनी चाहिए और रोहिणी में लगनी चाहिए फरीदाबाद में लगनी चाहिए द्वारका में लगनी चाहिए और गाजियाबाद में तो ऑलरेडी चलनी चाहिए और यू कसर जो मैं आती हूँ अभी जो मेरे गाँव से वहाँ भाई साहब क्या नाम कुलदीप कुलदीप असवाल जी रोड असवाल जी जो हो चुकी है हमारे जनपद बोर्ड के विकास अंकल जी का जन्म हसोई थे हसोई गाँव के ऊँचे हमारे सही गाँव गाँव जो सही मेरे गाँव है और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस फिल्म में हमारे गाँव में एक कलाकार जो है भूमिका निभा रहे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं पहाड़ों की आवाज़ के लिए अपने सही सुभाष नेगी के साथ जिनके हमारे दिल में जगमोहन रंगी ने जयत्रानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा